कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान वी सतीश जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान कन्हैयालाल जी बैरवाल साहब से, आप आएं और श्रीमान वी सतीश जी को साल उठाकर उनका सम्मान करें। पृथ्वी सिंह जी समिति के सदस्य आप भी पधारें, आप प्रतीक चिन्ह देख भेंट करके आप उनका सम्मान करें। श्रीमान नारायण जी आप पुस्तक भेंट करके आदरणीय वी सतीश जी का सम्मान करेंगे। श्रीमान कन्हैयालाल जी भाई साहब सोल उड़ाकर भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। श्रीमान नारायण जी दीनदयाल जी को जानो ये पुस्तक भेंट करेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान हनुमान सिंह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा समिति के सचिव प्रताप भानु सिंह जी से, वो पधारें और भाई साहब का साल उठाकर सम्मान करें। समिति के सह सचिव नीरज जी कुमावत आप आएं, भाई साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। श्रीमान मान सिंह जी आप पधारें और भाई साहब को पुस्तक भेंट करके भाई साहब का स्वागत करें। श्रीमान मान सिंह जी पुस्तक भेंट कर रहे हैं भाई साहब को। स्वागत की इस परंपरा के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल जी सिपा जी से आग्रह करूंगा कि समिति के बारे में या इसकी भावी योजनाओं के बारे में हमें बताएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय वी सतीश जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय हनुमान सिंह जी राठौड़, कार्यक्रम में देश और विदेश में उपस्थित नागरिक बंधु भगिनी, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का 104वां जयंती समारोह मना रहे हैं। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि समारोह में हमें मार्गदर्शन देने हेतु भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री माननीय सतीश जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कारवा माननीय हनुमान सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस समिति का अभी गठन 1 वर्ष पूरी हुआ है। यह पंजीकृत संस्था है और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो विचार दर्शन है उसको जन जन तक पहुंचाना, उसको व्यवहारिक स्वरूप देना तथा राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है उसमें सकारात्मक सहयोग प्रदान करना।
बंधुओं, हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कितने कष्ट सहे। आप कल्पना कर सकते हैं, एक युवा अवस्था में उन्होंने 7 बार मृत्यु के दर्शन किए। उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ 2.5 वर्ष की उम्र में, माताजी का हुआ, नाना का हुआ, नानी का हुआ, मामी का हुआ, उनके भाई का हुआ। एक व्यक्ति जो अपने परिवारजनों का इतना मृत्यु दर्शन करे और फिर भी सुदृढ़ निकले और देश को और दुनिया को एक दिशा दे, यह उनकी विशेषता रही। बंधुओं, हम सब महापुरुषों की बात, महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन उनकी बात पर कम ही विचार करते हैं, उनकी कमी मानते हैं। पंडित जी ने देश और दुनिया को एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत दिया, उसकी आज बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही प्रासंगिक है। पंडित जी ने हमें अर्थायाम की अवधारणा दी, अदेव मातृका कृषि की अवधारणा दी, अपर मातृक उद्योग नीति दी, अधिलवण की अवधारणा दी, अर्थ संस्कृति की अवधारणा दी। ये ऐसे अवधारणाएं हैं जो आज के समय बहुत ही प्रासंगिक हैं। यह समिति दी भविष्य में राजस्थान में विशेष रूप से जिन जिन स्थानों पर पंडित जी रहे, 18 से 20 वर्ष तक यहाँ पर रहे, उन स्थानों पर उनके विचार को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करेंगे। यह समिति एक शोध केंद्र की स्थापना करना चाहती है, जहाँ पर पंडित जी के सभी जो विषय हैं उन पर शोध किया जाएगा। यह समिति पूरे देश में उनके नाम से जितनी संस्थाएं चल रही हैं उनको एक विचार परिवार के रूप में संगठित करेगी और उनके सिद्धांतों का उनके साथ वार्ता करके और एक समन्वयक का काम करेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा परिवार के विभिन्न संगठनों के आग्रह पर UGC ने जगह जगह विश्वविद्यालयों में दीनदयाल शोध पीठों की स्थापना की है। हमें खुशी होगी कि उन शोध पीठों के साथ मिलकर और पंडित जी के विभिन्न जो विषय हैं उन पर हम शोध को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी से, जो देश में मुझे सुन रहे हैं, जो विदेशों में मुझे सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे समिति से जुड़ें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जुड़ें और उनको कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं स्मारक के परिचय के लिए समिति के सदस्य आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब से आग्रह करूंगा, जो वर्चुअली हमसे जुड़ रहे हैं, स्मारक का परिचय करवाएं। आदरणीय सतीश जी पूनिया। अब मैं स्मारक के परिचय के लिए समिति के सदस्य आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब से स्मारक का परिचय करवाएं। आदरणीय सतीश जी पूनिया।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आदरणीय वी सतीश जी से आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी आए और हमको अपना उद्बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम के दृष्टि से दिल्ली से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके साथ केंद्र में राजस्थान से जो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे सम्मानित तीनों केंद्रीय मंत्री, यहाँ समिति के अध्यक्ष चीपा जी, आदरणीय हनुमान सिंह जी, सभी उपस्थित मान्यवर नागरिक बंधु भगिनी माताओं, ये बहुत अच्छा अवसर राजस्थान वासियों के लिए है विशेष रूप से, और वैसे देखा जाए तो विचार परिवार के सभी के लिए और विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए कि आज 104वीं जन्म जयंती आदरणीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की हम लोग मना रहे, इसी धानिक्या में जहां उनका बचपन के कुछ वर्ष गुजरे और इसी राजस्थान के पवित्र भूमि में जहां दीनदयाल जी की बाल्यकाल की शिक्षा हुई, यहां बहुत भव्य स्मारक बना है जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा देते रहेगा। चीपा जी ने सही कहा, काफ़ी ऐसे लोग अपने देश में हैं जो दीनदयाल जी के विचारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि जो बात को दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60-65 में कहा, 1965 के समय में, वो सारी बातें आज ऑब्सोलेट हो गई है, इरिलेवेंट हो गई है, और उसकी प्रासंगिकता रही है कि नहीं, इस प्रकार से कॉलोनियल माइंडसेट के जो माइंडसेट जिनका है, इस प्रकार से स्वयं को प्रोग्रेसिव मानने वाले कुछ लोग विषय उठाते हैं। हमने पैंडेमिक के समय में गत 5-6 महीने में इस बात का अवश्य अनुभव किया है, कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थिति से हम सब लोग गुजर रहे हैं, सारा विश्व गुजर रहा है। भौतिक दृष्टि से प्रगतिशील देश जिन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी में, हेल्थ सर्विसेज में हमसे बहुत अधिक प्रगति की होगी, लेकिन ये 5-6 महीने में उनकी जो स्थिति बनी, कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में उनको यश नहीं मिला और बहुत विकट परिस्थिति का सामना इन देशों को करना पड़ा, आज भी कुछ देश कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में 130 करोड़ देशवासियों के साथ भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक होकर खड़ा रहा, इसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में चिति कहा है, राष्ट्र का आत्मा, सोल ऑफ द नेशन कहा है। और इस एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के कारण सारा देश एक शरीर होकर सरकार के साथ खड़ा रहा, इस संकट का हम सामना कर सके। मैं मानता हूं कि संकट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमारी देश की जनसंख्या और बाकी सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक इस संकट का मुकाबला करने में समर्थ हो पाए हैं, और वो इसी समाज के सांघिक मन के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण, जिसकी बात कही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। जहां तक प्रासंगिकता की बात है तो विश्व आज ये सोचने में मजबूर हुआ है, और पैंडेमिक से जो चिंतन शुरू हुआ है आने वाले विश्व की रचना, आने वाला विश्व का आर्थिक जीवन, जीवन शैली, ये सब ऐसे विषय है कि जो भारत की ओर इंगित करते हैं कि भारत की जीवन शैली कैसे रही, भारत ने क्या क्या कहा, आर्थिक विषय के बारे में, डेवलपमेंटल मॉडल के बारे में भारत ने क्या कहा, भारत ने क्या किया,
और आज सारे दुनिया की नजरें जिन बातों को किसी समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को उद्बोधन करते हुए जो बातें कही, आज सारा विश्व उसकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार कर रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है और इसके आगे भी होगा। आदरणीय नड्डा जी को आत्मनिर्भर भारत और शिक्षा नीति ऐसे सारे विषय पे उनका मार्गदर्शन अपने को मिलेगा। ये आत्मनिर्भर भारत का जो विषय माननीय मोदी जी ने देश के सामने रखा वो भी उसी विचार से जुड़ा है जिसको दीनदयाल जी ने कहा था कि जब तक हम हमारे नेटिव जीनियस के आधार पर हमारे जमीन से जो चीज़ें उत्पन्न हुई है, जो विचार उत्पन्न हुआ है इस सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर हम अपनी चीज़ों का विचार नहीं करेंगे तब तक हम सही रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमको डराने की उस समय कोशिश की, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की कि आप जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे समय में पंडित दीनदयाल जी हमेशा कहते थे कि राह की डर बताकर न चलने की सलाह देने वालों की मत सुनिए, जिस ओर हम चलेंगे वही रास्ता होगा। और आज केवल देश नहीं समूचा विश्व इस बात को अनुभव कर रहा है कि भारत में जो जीवन शैली की बात की गई है, जो एकात्म मानव की बात की है, प्रकृति के साथ तादात्म्य की बात की है, अंगांगी संबंधों की जो बात की है, मनुष्य ये बंडल ऑफ डिजायर्स नहीं है तो शरीर मन बुद्धि आत्मा ये सारी बातों का, तो इस पर विशद रूप से चिंतन और आगे चलकर भी देश दुनिया के लोग इसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे। मैं समिति को अनुरोध करना चाहूँगा, छीपा जी ने कहा है कि ये स्मारक हम सबके लिए प्रेरणा देने वाला तो है ही, राजस्थान के सारे जिले के लोग, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, समाज जीवन से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए, इस स्मारक से प्रेरणा ले और एक शोध कार्य के दृष्टि से भी इसका विकास हो। समिति के सदस्य इसका जरूर विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी लोग इस दीनदयाल जी के विचार से जुड़कर आज देश के सेवा में लगे हैं, आने वाले दिनों में उन्होंने जो रास्ता अपने को दिखाया उस उनके सपनों को पूरा करने की दृष्टि से राष्ट्रवाद, सुशासन और गरीब लक्ष्य विकास जिसको अंत्योदय कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उस अंत्योदय के सपने को साकार करने की दृष्टि से हम सब कोशिश करें, प्रयत्न करें, इसी प्रकार की प्रेरणा आज के इस कार्यक्रम से ले। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान हनुमान सिंह जी क्षेत्र कारवा राजस्थान क्षेत्र आप आए और अपना उद्बोधन दें। पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली से आदरणीय नड्डा जी, राजस्थान के तीनों सांसद और मंत्री महोदय, इस समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर छीपा जी, वी सतीश जी और अन्य समुपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी बंधु और बहनें, पंडित दीनदयाल जी का जो नाम है ये नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही एक परिलक्षण देने वाला नाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना का शब्द है वो शब्द है कि इस राष्ट्र को ज्ञान आधारित समाज में जो न्याय संगत हो ऐसे समाज में परिवर्तित करना है। और ज्ञान का अर्थ ही अपने यहाँ पर पंडित है। डिक्शनरी में पंडित शब्द, अंग्रेजी की डिक्शनरी में पंडित शब्द ज्ञानी के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये शब्द वैश्विक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही है, अब तक छात्र शिक्षक अनुपात इसकी बात की जाती थी तो एक सामान्य अनुपात दिया जाता था, इस बार दो अनुपात दिए हैं।
एक अनुपात जो सामान्य क्षेत्रों के लिए है, उसमें कहा है कि 30 शिक्षार्थी हो तो एक शिक्षक कम से कम चाहिए। लेकिन जो हमारे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र है, उन सब के अंदर यदि ये नई शिक्षा नीति, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस रूप में हम कहते हैं, ये लागू होती है, तो वहां पर अनुपात होगा 25 छात्रों के प्रति एक अध्यापक। ये बताता है दीनदयाल। अंत्योदय जो सबसे नीचे है, उसको यदि इस ज्ञान परंपरा में आगे लेकर आना है तो हमें किस प्रकार का काम करना होगा, उसका ये उदाहरण है। और उपाध्याय का अर्थ यह होता है जो अपने सानिध्य में लेकर और अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को शिक्षा प्रदान करता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। इसलिए नाम ही सार्थक करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ का पहला जो शब्द है, वो पहला शब्द ये है, हमारी ज्ञान परंपरा, ऋषि परंपरा, उसके माध्यम से विद्या की हमारी अवधारणा क्या है, उस अवधारणा को प्रकट करने वाला है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मानवता की पूर्णता का विकास। स्वामी विवेकानंद से जब शिक्षा की और परिभाषा पूछी तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में जो पहले से ही पूर्णत्व है, उस पूर्णत्व को उजागर करने का जो माध्यम है, उसको शिक्षा कहते हैं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य ध्येय यहाँ से प्रारंभ होता है कि हमको इस भारत को फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु बनाना है। आप जब प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे तो प्राचीन साहित्य में जब भी भारत का विश्वगुरु के रूप में वर्णन आता है, तब ये सोने की चिड़िया था, ये भी वर्णन आता है। इसका अर्थ यह है कि जब समाज या राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न बनता है, तब ही ज्ञान परंपरा ये परिपूर्णता को प्राप्त करती है। या जिस समाज में ज्ञान परंपरा के प्रति लोगों के अंदर आदर होता है, उसके प्रति समर्पण होता है, वही राष्ट्र आर्थिक उन्नति भी करता है। दोनों अन्योन्याश्रित है। उसी का परिदृश्य देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संभवतया पूर्व की जितनी शिक्षा नीतियां हैं वो मैंने पढ़ी है, इसमें जो विलक्षणता है, वो विलक्षणता है हमारी संस्कृति को फिर से स्थापित करने का स्मरण ये इसमें हुआ है। पहली बार नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों का उल्लेख हुआ है। पहली बार हमारे यहाँ की ऋषि परंपरा, जिन्होंने यहाँ के साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शोध किए हैं, उन सब का चरक सुश्रुत से लेकर और आर्यभट्ट तक के सब के वर्णन उसमें पहली बार उल्लेख हुआ है। पंडित दीनदयाल जी ने भी यही कहा है। जब एकात्म मानव दर्शन की हम बात करते हैं तो एकात्म आर्थिक चिंतन, एकात्म राजनीतिक चिंतन, एकात्म समाज चिंतन, इसके साथ साथ एकात्म शैक्षिक चिंतन भी आता है। और शिक्षा का एकात्म चिंतन की ओर संकेत करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कहा है कि हम उस प्राचीन पद्धति को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान का अर्थ केवल अपने परिवार को पालना यह नहीं था, उसका अर्थ था पूर्ण मुक्ति, ये प्राप्त करना, पूर्णत्व को प्राप्त करना। हमारे यहां पर शिक्षा का प्राचीन काल में उद्देश्य यही है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है, और जो बंधनों से मुक्त होता है समाज, वो चाहे बंधन किसी भी प्रकार के होंगे, कुरूतियों के हो सकते हैं, आडंबरों के हो सकते हैं, इन कुरूतियों से मुक्त जो स्वतंत्र समाज होता है, वो समाज प्रगति करता है। पंडित दीनदयाल जी ने और जो अपना एकात्म मानव दर्शन का और व्याख्यान दिए थे मुंबई में, उस व्याख्यान के प्रथम व्याख्यान के अंदर वो कहते हैं कि हम संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति की बात करने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई और संग्रहालय बनाकर उस संग्रहालय के और संरक्षक बनकर बैठना चाहते हैं। हमारा संस्कृति से तात्पर्य एक प्रगत गतिशील समाज खड़ा करना, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का आधार लेकर एक नवीन निर्माण कर सके, ऐसा समाज हम बनाना चाहते हैं। इसी को अपने यहाँ पर कहा सुमंगलम, या आर्थिक नीति है, एकात्म आर्थिक नीति, सबका मंगल होना चाहिए। ये मंगल की जो नीति है, इस नीति को ही इस शिक्षा के अंदर शामिल किया है।
दुर्भाग्य से अपने यहाँ पर कहते हैं कि अपने यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब के लिए और शिक्षार्थी तैयार होते हैं जो अंग्रेजों ने किया था। पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर शामिल किया गया है कि ये समाज में जो विद्यार्थी तैयार होगा वो विद्यार्थी केवल ज्ञान लेकर निकला हुआ बौद्धिक ज्ञान से संपन्न नहीं होगा, वो साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा लेकर निकलेगा। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान आधारित व्यावसायिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसके ऊपर पहली बार ध्यान गया है। और यही बात दीनदयाल जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक हमने स्वातंत्र्य ये प्राप्त किया है, लेकिन आर्थिक स्वातंत्र्य के बिना राजनीतिक स्वातंत्र्य ये किसी काम का नहीं है। और राजनीतिक स्वातंत्र्य के साथ आर्थिक स्वातंत्र्य अगर जुड़ा होना चाहिए तो आर्थिक स्वातंत्र्य का, आर्थिक और प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा इसके दो अर्थ है, पहला है सबको काम, यही कहा इसके अंदर, सबको काम मिलना चाहिए, अर्थात हम मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया में जा रहे हैं, इसके बीच का रास्ता स्टार्टअप, और इस स्टार्टअप को शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर ये प्रेरण होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, इसी का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिया है। और दूसरा कहा है काम के चयन की स्वतंत्रता, ये भी होनी चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता का आधार है, इस काम के चयन की स्वतंत्रता को हमने जो वर्तमान के अंदर कहा है कि एक समरस, समतापूर्ण, बंधुत्व युक्त ऐसा एक समाज खड़ा होना चाहिए, ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल आधार हैं, जो आधार पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया है शिक्षा के संबंध में, उन्होंने जो विचार किया, आप आश्चर्य करेंगे, आज कहते हैं बहुत प्रकार के और शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, भाषा, इस पर प्रश्न उठते हैं, सबसे पहले भारत उद्भूत समस्त भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, इस शब्द का प्रयोग करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। उन्होंने कहा था कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, इसका एक अपना स्थान है, यह प्राप्त किया ही जाना चाहिए, लेकिन भारत में जितनी भाषाएं हैं वो सब की सब राष्ट्रीय भाषाएं, सबके अंदर एक समृद्ध इतिहास साहित्य हमारा है। वर्तमान शिक्षा नीति ने कहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, कि अगर लैटिन और रोमन इन भाषाओं के समस्त साहित्य को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो भी संस्कृत साहित्य उससे विपुल है, इसलिए हमारी संस्कृत आधारित समस्त भारतीय भाषाओं इनके अध्ययन की सुविधा विद्यार्थियों को प्राप्त होनी चाहिए, वो वर्चुअल हो चाहे वो वास्तविक हो, किसी भी प्रकार से उसको नेट के ऊपर उपलब्ध होनी चाहिए, यानी ज्ञान आधारित समाज ये निर्मित होना चाहिए। इस ज्ञान आधारित समाज की जो वर्तमान सरकार के अंदर बात हो रही है उसी का दृश्य हमको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई देता है। इसका अगर हम विस्तृत अध्ययन केवल मात्र भूमिका का कर लेंगे तो भी हमको आनंद की अनुभूति होगी कि जो एक प्राचीन काल से और एक शिक्षा के संबंध में जो हम एक अवधारणा लेकर चल रहे थे, उस अवधारणा को पहली बार एक डॉक्यूमेंट्री और उसको प्रारूप ये प्राप्त हुआ है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी काव्य गीत होगा, काव्य गीत के बाद में जिनका उद्बोधन हम सबको मिलने वाला है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, उनका उद्बोधन हम सबको मिलेगा। काव्य गीत के लिए मैं संकल्प जी से आग्रह करूंगा, आए और काव्य गीत करें, चूंकि एक महापुरुष की जन्म जयंती है और उन्होंने भारत भूमि के लिए बहुत कुछ किया है, तो भारत माता की जय तो होनी चाहिए, इसलिए हम सब लोग मिलकर के पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व गगन पर भरत देश की, फहरे फिर से अरुण पताका, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भरत देश की, पश्चिम दर्शन भोगवाद से,
त्रस्त खड़ी मानवता सारी, वायु जल का घोर प्रदूषण, विकास रचना निष्ठकारी, वेद ज्ञान से करे प्रकाशित, वेद ज्ञान से करे प्रकाशित, व्यष्टि सृष्टि का जीवन नाता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भारत देश की, ऋषि मुनियों की इस धरती ने सदा जगत को अपना माना, मानव ही क्या जड़ चेतन में उसी परम सत्ता को जाना, एक सत्य गणित रूपों में, एक सत्य गणित रूपों में सुख शांति आनंद प्रदाता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भारत देश की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की अनुपम प्रगटी जीवन धारा, श्रद्धा से हो पूर्ण समर्पित, सबने निज व्यक्तित्व संवारा, ज्ञान भक्ति कर्म मार्ग से, ज्ञान भक्ति कर्म मार्ग से साधक धन्य धन्य हर्षाता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भारत देश की, बलशाली ही भूमंडल में मान प्रतिष्ठा वैभव पाए, शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए, पहचाने निज शक्ति गौरव, पहचाने निज शक्ति गौरव, बनना है नव युग निर्माता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भारत देश की, फहरे फिर से अरुण पताका, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भारत देश की। अब मैं जिनका उद्बोधन सुनने के लिए हम सब लोग ललायित हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा जी, जो हम सबको वर्चुअल संबोधित करने वाले हैं दिल्ली से, आपसे विनम्रपूर्वक आग्रह करूंगा आप आएं और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा जी। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान से जुड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सम्मान्य वी सतीश जी, हमारे
क्षेत्रीय कारवा सम्मानीय हनुमान सिंह राठौर जी, मोहन जी छिपा जी अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह, और हमारे वर्चुअली जुड़े हुए पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, श्री चंद्रशेखर जी, और मेरे साथ यहाँ मंच पर विराजमान भारत सरकार में मंत्री जिनका संबंध राजस्थान से है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी भारत सरकार में मंत्री, और श्री कैलाश चौधरी जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और सभी स्थानों पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य बंधुगण, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह के तरफ से आज जो हम 104वीं जन्म जयंती पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मना रहे हैं, उसमें मुझे भी शामिल होने का आपने अवसर दिया, सौभाग्य दिया, आप सबकी बातों को सुनने का मौका मिला, और मुझे भी आपने कुछ दीनदयाल जी की जीवनी पर और उनके प्रभाव पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप सबके मैं दर्शन कर सकूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद कर सकूँ। ये सही समय है, 104वीं हम जन्म दिवस मना रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, कि हम यह जान सकें कि पंडित जी का हमारे राजनीतिक जीवन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, और उनके विचारों के माध्यम से हम कहाँ पहुँचे हैं और हमें किस ओर जाना है और कैसे जाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में रहता, दर्शन करता, आपसे मिलता और तब बात करता, लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए आज वर्चुअल रैली और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। पर फिर भी राजस्थान की धरती जो रंगों की धरती है, मीरा की भक्ति की धरती है, वीर राणा सांगा महाभारत की धरती है, मेजर शैतान सिंह की धरती है, और जहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी का बचपन गुजरा, ऐसी पुण्य भूमि राजस्थान को मैं अपनी ओर से नमन करता हूँ और प्रेरणा लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, जब हम दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा करते हैं तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में शुरू में ही कह देना चाहता हूं, जो सामाजिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं, जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनमें कोई एक खूबी होती है जिसके माध्यम से वो जाने जाते हैं। कोई अच्छा संगठक के रूप में जाना जाता है, कोई अच्छा नेता के रूप में जाना जाता है, कोई व्यक्ति विचार के दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसी शख्सियत थे जो विचारक भी थे, संगठक भी थे, और अपने आप में नेतृत्व पैदा करने की ताकत रखने वाले नेता भी थे। इस बात को हमको समझना चाहिए। उन्होंने हमारी विचार पद्धति को एक दिशा दी, एक दृष्टि दी। आज भारतीय जनता पार्टी और उस समय की भारतीय जनसंघ जो अपने सारे कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, उसको विचार करने की पद्धति से लेकर के विचार की पृष्ठभूमि से दिशा और दृष्टि देने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रखर वक्ता, बहुत गहरी सोच रखने वाले विचारक, मूल चिंतक, मूल विचारक, और इसके साथ साथ नेतृत्व प्रदान करने की भी उसमें अद्भुत क्षमता थी। थॉट्स में वो बड़े क्लियर थे, विचारों में बहुत क्लियर थे। उनका मानना था कि भारत अकेला वो संस्कृति है जो जीवित है, इतने आघातों के बाद भी सबसे पुरानी संस्कृति अगर है तो वो भारत की संस्कृति है, इसको हमको समझना चाहिए। और वो कहते थे कि हमको स्वभाव से, स्वभावतः, नेचुरल इंडिपेंडेंस और उसका नेशनल इंडिपेंडेंस की हमको खोज करनी चाहिए। उनका मंतव्य यह था
कि हम भारत के मूल कैरेक्टर को पहचाने, मूल स्वभाव को पहचाने। उनका कहना यह था कि हम अपनी मूल संस्कृति को पहचाने और हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, चित है, उसको पहचान करके अपनी नीतियों का हम फैसला करें। अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को पहचाने, अपने चित को पहचाने, अपने इस आध्यात्मिक चित को पहचाने। और वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे, थिंक लाइक इंडियन, भारतीय तरीके से सोचने की पद्धति विकसित करो। यह देश दो दिन में नहीं बना है, हजारों साल का देश है। हमारे पूर्वजों ने विचार रख करके इस देश की पद्धतियों को डेवलप किया है। और इसलिए पाश्चात्य जगत के ग्लैमर में मत पड़ो, पाश्चात्य जगत के ग्लैमर में पढ़ करके अपनी मूल विचारधारा के प्रति अनास्था पैदा होना यह बहुत ही गलत है। अपनी विचारधारा पर ही हमको अपनी रीति नीति कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, यह बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी नेशनल आइडेंटिटी को संभाल के भी रखना है और उसको मजबूत भी बनाना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वह आइडेंटिटी स्वभावता है, वह नेचुरल है, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है और वो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड से भरा हुआ है। उसमें नेशनहुड के कॉन्सेप्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस बात की उसमें चिंता की गई, इस बात को उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि बहुत से विचारधारा उस समय चल रही थी, इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट, बहुत देशों में इसका एक देश है, एक किताब लिख दी गई, नेशन इन द बिल्डिंग। लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, इंडिया इज वन नेशन एंड इज ऑल विद कास्ट क्रीड कलर रेस सब होने के बावजूद भी भारत एक देश है, एक तरीके से सोचने की पद्धति है। इस बात को उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। जब उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बातचीत कही तो उस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में उन्होंने 1965 में जब इस बात को कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चिंतन का जो बेस होगा वह इंटीग्रल ह्यूमनिज्म होगा। अब यहां भी हमको समझना चाहिए कि उन्होंने जो भारतीयता की बात कही थी वह भारतीयता की मूल हमको यहां दिखाई देने को मिलती है। उस समय आपको मालूम होगा 60 के दशक में कितना कम्युनिज्म का प्रभाव था, वामपंथियों का कितना प्रभाव था, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट की बात होती थी, मजदूर ही राज करेगा, उसका ही राज चलेगा, वही है। और इसके साथ साथ सारी पावर जो आती है वो पार्टी से आती है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न रोटी है। और दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से कैपिटलिज्म की बौछार थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा, जो सबसे फिट होगा वही जीतेगा, कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी होगी, कॉम्पिटिशन में जो रह जाएगा, जो पिछड़ जाएगा। ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हर जीवित और निर्जीव चीज के बीच में बैलेंस बनाते हुए बुद्धि मन आत्मा का बैलेंस बनाते हुए जो विचारधारा आगे बढ़ेगी, बॉडी माइंड एंड सोल एंड इंटेलेक्ट, ये तीनों का जहां समावेश होगा और बैलेंस होगा वही दृष्टि इस दिशा को दे सकेगी और जिंदगी दे सकेगी और एक संस्कृति को आगे बढ़ा सकेगी। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही और इसीलिए उन्होंने एकात्मता का नाम लिया, एकात्मता और एकात्म मानववाद का उन्होंने इस बात का बीज रखा। और जब बीज रखा तो उसमें उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट रखा, उन्होंने ये रखा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में चिंतन करें और सब खुश रह सके, ऐसी व्यवस्था को बढ़ाना ही एकात्म मानववाद के चिंतन को आगे बढ़ाने के बराबर होगा। यह बात उन्होंने कही और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि इंटीग्रेटेड अपने ट्रेडिशंस को इंटीग्रेट करो, अपने कल्चर को पहचानो और नया भारत क्रिएट करो। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय हम सबके बीच में रखी थी। हमें मालूम है कि उस समय नेहरूवियन मॉडल
ये कांग्रेस के द्वारा एक नया इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने कहा था कि यह विचारधारा गलत है, यह अपनी धरती से जुड़ी हुई विचारधारा नहीं है, यह अपनी रीति नीति में चलने वाली विचारधारा नहीं है, हमें वो विचारधारा आगे लानी पड़ेगी जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, जो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई हो और भारत की परंपराओं से जुड़ी हुई हो, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई हो, जिन्होंने लाखों सालों से हमारे को आगे विकसित करने का प्रयास किया है, उसकी हमको खोज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही और वही ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी को लेकर के हम एकात्म मानववाद लेकर के बढ़े और एकात्म मानववाद की यात्रा बनी अंत्योदय तक, और एकात्म मानववाद की यात्रा बनी अंत्योदय से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये शब्द वैक्यूम में नहीं निकले, ये शब्द सिर्फ ऐसे ही किसी दिन किसी ने सोच करके नहीं दिया, ये हमारी विचारधारा से बढ़ते हुए एक यात्रा पूरी करते हुए एकात्म मानववाद से बढ़ते हुए अंत्योदय और अंत्योदय से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस बात को लेकर के आगे बढ़े। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा हमारे हर कार्यक्रम में प्रतिलक्षित होती है, हमारे हर कार्यशैली में प्रतिलक्षित होती है और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़े, इसको हमको समझना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी संगठक भी थे, विचारक भी थे और नेता भी थे, एक अद्भुत मेंटल कैपेसिटी थी, एक अद्भुत सोचने की ताकत थी, पढ़ने की अपार क्षमता थी, जानकारियां हासिल करने की अपार क्षमता थी और भावनात्मक विषयों के साथ उससे अपना तर्ज बैठा करके और उसके साथ उसको आगे बढ़ाने की भी उनमें ताकत थी और एक अच्छे डिसिप्लिन के तरीके से काम को आगे बढ़ाने की भी उनकी ताकत थी। हमें यह जान करके आश्चर्य होगा कि उन्होंने बहुत कम अवधि, उनको बहुत कम समय मिला, लेकिन उस कम समय में भी हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के कोने कोने में प्रवास करके अपनी विचारधारा को प्रबल करने का काम किया और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनके कारण, उनकी प्रेरणा से, उनकी विचारधारा को लेकर के आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और करोड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा इस विचार को जीने वाली पार्टी बनी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। उन्होंने वर्कर्स को हमेशा प्रोत्साहित किया, उन्होंने ये कहा कि हमें हर सिचुएशन में, हम सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हमें हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है भारत माता के लिए, भारत माता के कार्य के लिए हमको हमेशा आगे रहना पड़ेगा और हमको अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मूल जो हमारी विचारधारा है उसके प्रति हमको समर्पित रहना पड़ेगा और मूल विचारधारा के साथ साथ हमको एक रोबस्ट वर्क कल्चर पार्टी में भी पैदा करनी पड़ेगी। रोबस्ट वर्क कल्चर से उनका मतलब था कि जो हर तरीके से सुदृढ़ व्यवस्था, एक काम करने का कल्चर हो, उसको भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसकी उन्होंने हमेशा बात कही और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मित्रों, जो हम आज कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, इस कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना और विचार के दृष्टि से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 60-65 के ही दशक में, 60 के ही दशक में रखती थी और जिसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कांग्रेस मुक्त भारत की ओर चल पड़ा है, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ता हुआ सुदृढ़ देश के रूप में आगे बढ़ रहा है और वैकल्पिक विचारधारा की जो बात कही थी वो एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर के सभी कार्यक्रमों को कार्य रूप देने का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है, ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब स्ट्रांग नेशनहुड की बात करते थे तो उन्होंने सबसे पहले मुद्दा कश्मीर का उठाया और कश्मीर में भी दो विषय, एक विषय कि जो लोग पाकिस्तान से आए और कश्मीर में बस गए उनको मूल अधिकार नहीं मिला और दूसरा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वहां अलग संविधान चले ये मंजूर नहीं है। मुझे खुशी है कि उनकी ही प्रेरणा थी कि वर्षों हम लगे रहे और हम कहते रहे
एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उनके कारण ही हम कहते रहे कि हम तुमको मूल ताकत देंगे, वहां अगर कोई हिंदू शरणार्थी आकर के बसा है, कोई सिख भाई बसा है, कोई जैन भाई बसा है, कोई बौद्ध बसा है, कोई दलित भाई बसा है, तो उसको हम मुख्य धारा में शामिल करेंगे। आज मुझे खुशी होती है कि उनकी प्रेरणा के कारण और उनके प्रेरणा और बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलन के कारण और उस यात्रा को हम सब लोग बढ़ाते हुए 72 साल बाद हम यह धारा 370 समाप्त कर पाए, उनको मूल धारा में शामिल कर पाए, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान बना करके हम हटे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। उन्होंने उस समय यह भी बात कहा था कि जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई जो पाकिस्तान में से आए हैं या पाकिस्तान में रह गए हैं, उनके साथ धार्मिक प्रताड़ना हो रही है और वो धार्मिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि हम कह सकते हैं कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस काम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मित्रों, उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी दृष्टि देने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। सबसे पहले तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता क्रेडिबल होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। वो मैंने कहा ना कि वो संगठक भी थे, विचारक भी थे। विचार के लेवल पर अगर उन्होंने एकात्मानवाद दिया तो पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा। हमें याद है कि जब पहली बार हमारे दो अंकों में सांसद जीत करके आए थे तो उन्होंने कहा था कि संख्या महत्वपूर्ण है लेकिन संख्या के साथ साथ हमारा सांसद कैसा हो, एक जिसको कहते हैं कि एक एग्जाम्पल बनकर के, एक उदाहरण बनकर के सांसद बने, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता क्रेडिबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कार्यकर्ता वो होना चाहिए जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर, फंडामेंटल्स पर विश्वास करता हो। कार्यकर्ता वो होना चाहिए जो सबको अपने साथ समावेश करने की चलने की ताकत रखता हो। कार्यकर्ता वो होना चाहिए जो आज का विरोधी को कल अपना वोटर बनाने की ताकत रख सके, वो कार्यकर्ता होना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। अफेक्शन से, प्यार से लोगों को साथ जोड़ने का काम उन्होंने करने का प्रयास किया था। ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, अभी मुझे कहा गया है कि मैं आत्मनिर्भर भारत और शिक्षा नीति पर बोलूं। मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तो सिर्फ आत्मनिर्भर पैकेज से ही बात नहीं करता। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 6 सालों में काम किया है, हर काम भारत को आत्मनिर्भर की ओर ले जा रहा है। हर काम, ये जो UNEP ने जो हमारे मोदी जी को सबसे सर्वोच्च पद अपना पारितोषिक देकर के सम्मानित किया, ये छोटी घटना नहीं है, ये एनवायरनमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत छोटे समय में 11 करोड़ लोगों को इज्जत घर दे करके महिलाओं की इज्जत को बराबर बचाने का काम किया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया। यह है आत्मनिर्भर भारत का एक रूप जिसको हमको समझना चाहिए। लोहिया जी लिखा करते थे कि हमारी बहनें रात और सुबह का इंतजार करती हैं अपने नित्य कर्म के लिए। लोहिया जी भाषण दिया करते थे पार्लियामेंट में कि यह तस्वीर कब बदलेगी। नेता आए और गए, भाषण चलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ इज्जत घर बना करके हमारे 11 करोड़ परिवारों की इज्जत को बचाया भी और उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। जनधन योजना आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। 3 करोड़ लोग जनधन योजना से जुड़े थे, आज 40 करोड़ लोग जुड़े हैं। लोग मजाक बनाया करते थे, खिल्ली उड़ाते थे, ये जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट खोल के क्या करोगे, क्या करोगे, क्या बनेगा। यही कोविड के स्थिति में 20 करोड़ बहनों के खाते में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा दिल्ली से 500-500-1500 रुपए 3 महीने तक कोविड में उनको पहुंचा दिया, ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह भी एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है जिसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, 1.5 करोड़ लोगों के घर पर छतों की व्यवस्था की गई, पक्के मकान की व्यवस्था की गई, और संकल्प लिया कि 2022 तक इस देश में कोई नहीं रहेगा जिसके ऊपर पक्के छत का मकान नहीं होगा, पक्के छत का मकान बनेगा, यह बात का संकल्प लिया गया। मित्रों, ये सब एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर हमको बताते हैं। उसी तरीके से मुद्रा योजना के तहत 25 करोड़ लोगों को बहुत हल्के उसमें सॉफ्ट लोन जिसको बोलते हैं वो देने का प्रयास हुआ। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बहनों के चूल्हे और उनके गैस के सिलेंडर की व्यवस्था की गई। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस का चूल्हा दे करके सिर्फ उनके चूल्हे जलाने की व्यवस्था नहीं दी, उन्होंने उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की। जो वो एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने लंग्स में लेते थे, अपने फेफड़ों में लेते थे, उनसे उनको बचाया और उनकी उम्र लंबी करने में एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है। आगे चल करके हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स बताएंगे कि उज्ज्वला योजना आने के कारण किस तरीके से पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों की डिजीज में कमी आई है, यह हमको उसमें से इंगित होकर के पता चलेगा। यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आयुष्मान भारत, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लागू किया। दुनिया में हेल्थ कवर की बात हो रही है, दुनिया में। आज अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन बात करते हैं तो उसमें हेल्थ कवरेज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल में ही इस देश के 50 करोड़ लोग, 40% आबादी, और कौन जो सबसे गरीब हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, रैग पिकर जो कूड़ेदान से जो रैग्स को इकट्ठा करता है और उसको बेच करके अपनी जीवनी चलाता है, ऐसे गरीब लोगों को लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, जो 2 वक्त की अपनी रोटी मुनस्सर करने की कोशिश कर रहे थे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया और 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और साथ में 1600 करोड़ रुपए उन पर खर्च हुए हैं। गंभीर बीमारियों से उनको निजात दिलाने का काम किया है। ये भारत की तस्वीर बदली है, यह है आत्मनिर्भर भारत। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, जो डायरेक्टर जनरल है, कम मिस्टर नड्डा एंड एक्सप्लेन द वर्ल्ड व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन थ्रू आयुष्मान भारत। मिस्टर नड्डा, आगे आओ और दुनिया को बताओ कि ये आयुष्मान भारत से क्या परिवर्तन हुआ है। और हम ये कहते हैं कि सारा अमेरिका मिला लो, सारा मेक्सिको मिला लो और सारा कनाडा मिला लो, सबकी जनसंख्या जो बनती है वो हमारे भारत का आयुष्मान भारत बनता है। ये हमको समझना चाहिए, ये ताकत हमको उसमें से मिली है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से आज लगभग 1,43,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसान को 6,000 रुपए की उनको राशि देकर के उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और किसान के दृष्टि से उनको उत्तम खेती करने के लिए, विकसित करने के लिए व्यवस्था की गई है। ये सारे काम, सॉयल हेल्थ कार्ड, अभी जो लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, किसानों को आजादी दिला दी है ताकि वो अपना माल उत्पाद फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत कहीं भी देश में बेच सकता है, उसको उचित दाम मिले, इसकी चिंता की गई है। ये सभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमको इंगित करते हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमें याद है कि कोविड में यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंडिया हैज टेकन द राइट पाथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस द हेल्थ इश्यूज, ही हैज ऑल्सो एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज। उन्होंने हेल्थ इशू ही एड्रेस नहीं किया है, आर्थिक इशू को भी एड्रेस किया है। और आपको पता होगा कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था 1,70,000 करोड़ का पैकेज, और उस पैकेज के तहत 80 करोड़ की जनता को
मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल की व्यवस्था हर घर के हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था करके दी है। ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को हमको समझना चाहिए। गरीब कल्याण पैकेज के तहत 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने के लिए दिया गया। 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर दिए गए 3 महीने के लिए। उसी तरीके से दिव्यांग भाइयों को, वृद्ध लोगों को और साथ में विधवा बहनों के लिए 1,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए थी ताकि हम महामारी के समय, संकट के काल में भी हम 2 वक्त की व्यवस्था, जो जीने की व्यवस्था है, उसमें हम इज्जतपूर्वक अपना निर्वाह कर सकें। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। साथ ही साथ अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 का किश्त हरेक किसान के 8,74,00,000 किसानों के खातों में पहुंचा दी और 17,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त के लिए भी रिलीज कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चल करके मई 12 को आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया। ये आत्मनिर्भर पैकेज जो है, ये भारत की तस्वीर और तकदीर बदल देने वाला है। ये आपदा को अवसर में बदल देने वाला है। ये ट्रेजिडी को अपॉर्चुनिटी में बदल देने वाला है। ये हमको समझना चाहिए। और ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं, ये सभी एकात्म मानववाद के उस मंत्र से निकल करके आती है। ये सभी अंत्योदय के विचार को लेकर के बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। ये सभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर के बढ़ती है। और जब हम आत्मनिर्भर पैकेज की बात करते हैं तो 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 3,00,000 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, ये मध्यम उद्योगियों के लिए, और बहुत ही सस्ते लोन पर विदाउट कोलैटरल, उसके बगैर विदाउट श्योरिटी उनको लोन मिल सके। और 1,20,000 करोड़ लोगों को लोन सैंक्शन हो गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये उसमें किया गया है। एमएसएमई का डेफिनेशन बदल दिया गया, सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया गया, ताकि कोई भी उद्यमी, यही नहीं कि सिर्फ वो निर्माण करता है, वो सर्विस सेक्टर में भी अगर काम करता है तो उसको भी लोन लेने का अधिकार मिलेगा। ऐसे रिफॉर्म्स ला करके इसको आगे बढ़ाया है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए फार्म गेट के लिए रखा गया है, ताकि भारत के किसान की तस्वीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, ये हमारे कहने पर नहीं होगा, दिल्ली में बैठे हुए इसके प्लानर नहीं होंगे, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो वो किसान के हित के लिए फैसला करेगा, उस पर ये पैसा खर्च होगा। फिर चाहे वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, चाहे वो ग्रेन स्टोरेज बनाए, चाहे वो वैल्यू एडिशन करे, चाहे वो बीज के महत्व को बढ़ाए, बीज की कैपेसिटी को बढ़ाए, वो जो करना चाहता है, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इसको भी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। हमारे रेड़ी वाला फेड़ी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं, ताकि वह अपनी जीविका को चलाने में उनको भी 10,000 रुपए का लोन मिले, और लोन रिपे करने में भी उस पर कोई ब्याज न लगे, वो समय पर किश्त देगा तो सरकार उसको पारितोषिक के रूप में उसका लोन की व्यवस्था कर देगी। यह उसमें व्यवस्था की गई है। यह है आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी के सोच ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच में से सिर्फ पैसे बांटना ही नहीं, पैसों के माध्यम से उनको सशक्तिकरण करना, उनको खड़ा करना, वह जीवन में अपने पांव पर इज्जत से खड़े हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। यह है आत्मनिर्भर पैकेज, जिसको हमको समझना चाहिए। लगभग 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट के कार्ड के तहत उनको क्रेडिट देने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से इसको जोड़ने का प्रयास किया है। ये मैं आपसे बात कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अर्थव्यवस्था, इकॉनमी को चलाना होगा। और इकॉनमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग नहीं, सब मिल करके अगर हम चाहेंगे तो भारत की इकॉनमी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका इन्वॉल्वमेंट, ये होना आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने कही थी, बुनियादी ढांचा। और इस बुनियादी ढांचे के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में पूरी व्यवस्था की गई है, ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के, एमएसएमई सेक्टर से लेकर के, स्पेस सेक्टर से लेकर के, ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के, और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री में जो
रिपेयर्स होते हैं उससे लेकर के रिफॉर्म्स करके सबको हम आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, इसका एक पैकेज को आगे बढ़ाया है। और तीसरा विषय है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी के लिए हम कैसे उन्नत टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे हम उन्नत टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम रिसर्च को ज़्यादा महत्वपूर्ण दे सकते हैं, महत्व दे सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गई है जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने एक नारा दिया, लोकल फॉर वोकल। अब ये नारा आत्मनिर्भर भारत का मई महीने में दिया गया, लेकिन इसकी सोच अगर आप ढूंढोगे तो आपको इसकी सोच एकात्म मानववाद से मिल जाएगी कि अपनी धरती को ढूंढो, अपनी धरती को पहचानो और अपनी धरती से किस तरीके से विकास की ओर जा सकते हैं उसकी चिंता करो। वो है वोकल फॉर लोकल, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मेरा ये निवेदन है कि हम सब लोग इन सारी बातों को लेटर और स्पिरिट में पूरा करने के लिए जो भी हम अपना योगदान कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, मैं शिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़ा हूं, युवा काल विद्यार्थी परिषद के समय से लड़ता रहा हूं। पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जब हम विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे लगभग 36 साल पहले, और विद्यार्थी परिषद में हम लड़ा करते थे कि शिक्षा नीति भारत की मिट्टी से जुड़ी होनी चाहिए, शिक्षा नीति भारत का प्रतिबिंब होना चाहिए, शिक्षा नीति भारतीयकरण होना चाहिए। लेकिन उस समय मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाने वाले राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नई शिक्षा नीति रखी और हमने क्या कहा कि ये 68 से 86 हो गया। 1968 की एजुकेशन पॉलिसी के बाद 1986 की पॉलिसी बन गई, 6-8 से 8-6 हो गया, नीति कोई नहीं बदली, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं इस शिक्षा नीति की आपको सबसे बड़ी खूबी बताऊंगा, सबसे बड़ी खूबी क्या है शिक्षा नीति में, तो आगे चलेगा, लेकिन यह शिक्षा नीति ऐसी है जिसमें वैचारिक पृष्ठभूमि पर वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी से लेकर जितने भी लोग थे जो विचारों में अपने आप को बड़ा कट्टर मानते थे, सब ने यह माना कि ऐसी शिक्षा नीति नहीं देखी, बहुत अच्छी शिक्षा नीति है, यह है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्रिंसिपल को लेटर और स्पिरिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर सब ने सराहा। सब बोलते थे शिक्षा नीति आएगी, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। मोदी जी ने सबको इन्वॉल्व किया, टास्क फोर्स बनाए, वर्किंग ग्रुप्स बनाए, सिंपोजियम किया, डिस्कशंस की, सजेशंस मांगे, और सारे सजेशंस मांग करके फिर उसको पिरोने का काम किया, ड्राफ्ट करने का काम किया, बेसिक ब्रॉड पॉलिसीज बनाने का काम किया, और उस बेसिक ब्रॉड पॉलिसीज के बाद आज ये शिक्षा नीति हमारे बीच में है। इतनी बड़ी नीति में परिवर्तन हो जाए और देश में खलबली ना मचे, ये इस बात का इंगित करता है कि सबको साथ लेकर के विचारधारा से इसको जोड़ने का प्रयास किया है, भारत की मिट्टी से जोड़ने का काम हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग कहते थे सबको शिक्षा सबको शिक्षा, इसका मूल ढांचा मूल आधार है अफोर्डेबिलिटी। यह शिक्षा सबको अफोर्डेबल हो, सबके लिए उपलब्ध हो, यह शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। दूसरी बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, यह समान अपॉर्चुनिटी सबको दे, समान सबके लिए काम करने का काम करे। मैं यहां जब समान बोलता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह समान क्या बोल रहा है नड्डा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमारे यहां मेडिकल एग्जामिनेशन होते थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हर कॉलेज अपना अपना एग्जाम लेता था, हर कॉलेज की अलग अलग लिस्ट बनती थी, किस कॉलेज में किसका एडमिशन होगा वो कुछ सामने से कुछ नीचे से कुछ अंदर से और कुछ पीछे से। हमने कर दिया नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक परीक्षा होगी, उसी परीक्षा का कलेक्टिवली एक लिस्ट बनेगी और विद्यार्थी के चॉइस के माध्यम से और उसके नंबर के माध्यम से तय होगा कि वो किस कॉलेज का विद्यार्थी बनेगा। बड़ा विरोध हुआ था आपको याद होगा, फिर क्या कहने लगे कि इसमें तो कौन कहां बैठेगा क्या होगा। मैंने कहा माता पिता के साथ वो जाएगा एक जगह बैठेगा और सारे एग्जाम हो जाएंगे और सबकी चिंता दूर हो जाएगी, एक साथ परीक्षा हो जाएगी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मैंने
उस समय पहले मैंने 6 रीजनल लैंग्वेज में पेपर तैयार करवाए, 6, बाद में वो 9 हुए, अब शायद वो 13 या 14 हो गए। पहले सबने विरोध किया, मैंने कहा नहीं, हमारा बच्चा सिर्फ इंग्लिश में एग्जामिनेशन देगा ये नहीं चलेगा, गुजरात में गुजराती में देगा, तमिलनाडु में तमिल में देगा, केरला में मलयालम में देगा, उड़ीसा में उड़िया में देगा। हमने रीजनल भाषा में एग्जामिनेशन कराना शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ बच्चा ही मेडिकल का डॉक्टर नहीं बन रहा है, गांव गरीब का रहने वाला व्यक्ति भी पब्लिक स्कूल में, गांव के स्कूल से पढ़ करके अब डॉक्टर की परीक्षा पास कर रहा है। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। यह है मोदी जी की सोच और यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भारतीय सोच, इस जिसको पूरा किया गया। अब आप मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स निकाल करके देखिए, गांव के बच्चे आ रहे हैं, गांव से पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। नहीं तो पहले कौन आते थे, जिसने कोचिंग ली, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, उनके बीच का कॉम्पिटिशन हुआ और उन लोगों के माध्यम से सिर्फ डॉक्टर बन गए। आज यह मौका मिला है, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, यह शिक्षा नीति इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, बराबर का अधिकार देती है, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात है एक्सेसिबिलिटी। हमें एजुकेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था की गई है और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसको हमको और अच्छे से समझना चाहिए। इसी तरीके से एग्जामिनेशन का सिस्टम बदल गया है। अब आगे चल करके आपको याद होगा, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे राठौर साहब दिख रहे हैं, सतीश पुनिया जी दिख रहे हैं, हम सब लोग अपने ज़माने में जब पढ़ा करते थे तो क्या करते थे, सारी चीज़ें पढ़ी, दिमाग में डाली, एग्जामिनेशन हॉल में गए, रट्टाफिकेशन किया और वहाँ जाके उगल डाला और लिख करके चले आए, उसके बाद छुट्टी और नंबर फर्स्ट डिवीजन। होता था कि नहीं होता था? अब बच्चे का स्मरण शक्ति नहीं, स्मरण शक्ति के साथ साथ बच्चे की इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्चुअल कैलिबर कितना है इसकी परीक्षा होगी, उसकी समझने की क्षमता कितनी है इसकी परीक्षा होगी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कितना है इसकी परीक्षा होगी, एप्रिसिएशन कितना करता है इसकी परीक्षा होगी। और इसलिए अब बच्चे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, रात रात भर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट को एनालाइज करने में समझदारी कितनी है इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। पहले क्या था कि एक व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ सकता था तो मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक नहीं ले सकता था, एक व्यक्ति अगर बायोलॉजी लेता था तो वो उसके साथ साथ वो कहीं वोकेशनल कोर्स नहीं ले सकता था, अगर एक व्यक्ति कहीं पर इंग्लिश ले लेता था तो उसके साथ साथ वो कोई फिजिकल एजुकेशन नहीं ले सकता था। अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आप मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी ले सकते हो, संस्कृत के साथ आप इंग्लिश भी ले सकते हो, आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस के साथ साथ आप बायोलॉजी भी ले सकते हो, आप जूलॉजी भी ले सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम ये नई शिक्षा नीति कर रही है। इसलिए मित्रों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन से लेकर के, फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर के, अप्रोचेबिलिटी से लेकर के, एक्सेसिबिलिटी से लेकर, अफोर्डेबिलिटी से लेकर, और सबसे बड़ी बात है मीडियम ऑफ लैंग्वेज, पढ़ाने की भाषा। अब पहली 8वीं क्लास तक पढ़ाने की भाषा मातृभाषा होगी। हम लोगों के ज़माने में क्या होता था, हम स्कूल जाते थे, माँ बोलती थी बच्चा टिफिन ले जा, जैसे ही हम स्कूल में जाते थे व्हाट इज़ योर नेम, अंग्रेजी में बात शुरू, और व्यक्ति बच्चा शुरू से ही ट्रांसलेट करना सीख लेता था, मन में हिंदी चलता था, जवान पर अंग्रेजी चलती थी, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंग्लिश होता था, और इसलिए बच्चे का बहुत बड़ा विकास का बाधा बनता था उसकी पढ़ाई। आज उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी रीजनल भाषा में मिलेगी, उसकी लोकल भाषा में मिलेगी, जो बच्चा सोचता है, समझता है, सांस लेता है, मन में विचार लाता है, उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। ये इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए मित्रों मोदी जी ने इंडियन को भारतीयकरण किया और भारतीयकरण के साथ साथ भारतीय शिक्षा नीति बनाई है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा करके इन पर चर्चा करें, लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और दूर तक बताएं। और मैं ये बात बड़े संतोष के साथ आज कह सकता हूँ
कि जब हम 104वीं जन जयंती दीनदयाल उपाध्याय जी की मना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिया गया मूल मंत्र वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, वैकल्पिक विचार व्यवस्था, वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति, यह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जो शुरू हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के अटल जी अडवाणी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। और आज जितने भी कार्यक्रम भारत में भारत सरकार के चल रहे हैं और प्रदेश में हमारी सरकारों के चल रहे हैं, वो सभी अंत्योदय से जुड़े हुए हैं, वो सभी सबका साथ सबका विकास से जुड़े हुए हैं और वो सभी एकात्म मानववाद को प्रतिलक्षित करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, यही मैं कहना चाहूँगा। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस समिति की ओर से जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अब के बहुत वक्तव्य हैं सामाजिक क्षेत्र के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, उन सबको हमको पढ़ना चाहिए, उससे हमको दृष्टि लेनी चाहिए और अपने आप में उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, यह हमको संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, आप सबके मुझे दर्शन करने का मौका मिला, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर के समाज में कार्य में जुटे, यही मेरा आपसे निवेदन है। आपने इस बात सुनी, धन्यवाद। वो सभी अंत्योदय से जुड़े हुए हैं, वो सभी सबका साथ सबका विकास से जुड़े हुए हैं और वो सभी एकात्म मानववाद को प्रतिलक्षित करते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा। इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस धार्मिक क्षेत्र के, उन सबको हमको आप सबके मुझे दर्शन करने का मौका देता हूँ, प्रेरणा लेकर के समाज में कार्य में चुके, आपने बहुत अच्छे से हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत विषय पर संबोधित किया। कुछ सूचनाएं हैं, अभी यह स्मारक पे कुछ कर्मचारी जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से संवार करके रखा है, ऐसे कर्मचारियों का हमारे अतिथियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद वंदे मातरम होगा, उसके बाद जलपान की व्यवस्था भी है, सब लोग जलपान करके ही जाएंगे। अभी आभार के लिए मैं प्रताप भानु सिंह जी से आग्रह करूंगा, आए और सबका आभार व्यक्त करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल जी का 104वां जन्मदिवस समारोह में पधारे, पधारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे आदरणीय हनुमान सिंह जी राठौड़ क्षेत्रीय कारवा एवं आदरणीय श्री वी सतीश जी राष्ट्रीय राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भाजपा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, श्री कैलाश चौधरी जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सभी अतिथिगण एवं यहाँ पधारे हुए सभी सदस्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी टोली जिन्होंने इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मीडिया के लोग एवं पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन,
स्मारक के कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, जिनका सहयोग इसमें हमें मिला, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन किया संचालककर्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। अभी वंदे मातरम होगा, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, उसके बाद जलपान और कार्यक्रम वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले खर खर वाले हबला के नुमारक बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम् वंदे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुमारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वंदे मातरम् श्यामला जय। अभी स्मारक के आप सब बैठे हैं, स्मारक के कर्मचारी विनोद